Hey guys, welcome back to a new video. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके डॉग को कोल्ड हो जाता है या उसकी तबीयत खराब, मतलब उसको बुखार, एसिड वाली उल्टी, सफेद दाग वाली उल्टी, खाना उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो खाना नहीं खा रहा, बुखार हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, उसकी नाक सूखने लग गई, तो आप क्या करें ऐसे टाइम पे? तो गाइज, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कितने दिन की मेडिकेशन रखनी है और कितने दिन वो चलानी है। अगर आपको फायदा होता है तो वो आपको कितने दिन आगे प्रोसेस में बढ़ानी है। तो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए होगी पैरासीटामोल टैबलेट 150 mg, से आप 300 mg तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 300 mg ले लो। अगर आपके मतलब डॉक्टर को इस मेडिकेशन से फायदा ना हो तो आप भैया हॉस्पिटल या जो आपका आपका डॉक्टर जो आते हैं उसको आप उनसे बात करें कि भाई तो फिर आगे देख सकते हैं। तो हम पैरासीटामोल के 150 mg वाला 6 टैबलेट्स लिए, वॉमिंग का और वॉमिंग का एंड सिरप जो होता है मैनकाइंड कंपनी का, वो हम लिए 50 ml आप ले सकते हैं। एक बार की दवाई में ही तबीयत ठीक हो जाती है तो कोई भी अननेसेसरी जरूरत नहीं है। तो गाइस, हमें 500 mg मिली है तो हम इसको 1/4 करके दे दूंगा। ओके, ऐसी लॉग भी हमें 150 mg मिली है। ये हमारी 6 टैबलेट हैं जो हमारी सुबह शाम चलेंगी। ये जो सुबह शाम और जस्ट भी लाइक ये जो सुबह शाम, अगर ये 150 mg की, अगर आपका 500 mg तो बनाना हाफ, मतलब 1/4 में से एक। और ये आपकी वॉमिकाइंड सिरप लिया मैंने, मैं सिरप लेता हूँ, इसका टैबलेट हमारे यहाँ कम मिलती है सिरप, आप शेक कर सकते हो। दिस इज 30 ml की बॉटल है, 2 mg की होती है, अच्छा खासा अफेक्ट करती है, 33 rupees की है। इसमें आपको 5 ml का ये मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपका वापी है भी लाइक 6 months से नीचे का, अगर आपका वापी है तो आप उसको ये तीनों चीज़ें 2.5 ml देंगे। टैबलेट अगर आप पैरासीटामोल का ले रहे हो और ऐसी लॉक तो आपको 1/4 देना है उसको। अगर 4 महीने तक का तो आपको उसका 1/4 का 1/1 हिस्सा देना है। और अगर 6 months का है या 6 months आप है, अगर 6 months तक का है तो आपको आधी टैबलेट देनी है, 6 months से ऊपर 150 mg की पूरी टैबलेट आप दे सकते हो। समझ आ गई गाइस आपको, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको 2.5 ml देनी है, अगर सिरप है तो 2.5 ml दोगे पपी को। अगर 2 months का पपी है तो 1 ml, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा 1 ml से तो 2 ml दे देना। और अगर 4
4 to 6 months का पपी तो 2.5 ml देनी है आपको, ठीक है। और ये हमारी सिरिंज जो हमने मंगाई है हमारे यहाँ 5 rupees की है, दोनों ही 5 rupees, ठीक है। तो आप ये आपको देनी है, ये है, ये मैंने हटा दूंगा, ये मैं फेंक देता हूँ, कई बार रखता भी हूँ, कभी कभार यूज़ करनी पड़ जाए तो लगा देता हूँ भी। लाइक अब ये मत सोचना मैं हर वैक्सीनेशन अपना डॉग के अपने घर में करता हूँ, ये डिस्पोवैन का काफ़ी प्यार लग रहा है मेरे को सिरिंज, तो मैं कभी कभार अगर बीमार होता तो अब। और हाँ गाइस, अगर आपको इस मेडिकेशन से आपके डॉग को फ़ायदा नहीं मिलता तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्वो के केस की भी दवाई के बारे में बताऊं तो आप लोग को कमेंट करना, तो मैं आपके लिए जल्दी ही बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।